Hi guys, welcome or welcome back to our YouTube channel. If you are watching for the very first time, hi, my name is Mamta and here on YouTube, I make videos related to fashion, beauty, lifestyle, skincare, haircare, DIY and many more. So if you are interested in this kind of video or content, then make sure you subscribe to the channel below and it is completely free. So guys, as you read by the title, today's video is all about skincare. Skincare या DIY से हम लड़कियों को या लड़कों को इतना ज्यादा प्यार होता है कि उससे related कोई भी DIY, कोई भी remedy हम definitely अपने ऊपर use करते हैं, चाहे वो useful हो या ना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी remedy बताऊंगी जो 101% effective होगी, at the same time वो आपके सारे skin problems को solve कर देगी, right from pimple, tanned skin, pigmentation, dark circles, and अगर आपको बहुत ज़्यादा dark spots या बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि आपकी जो skin है even tone नहीं है, बिल्कुल उसमें जो complexion है वो improved नहीं है, बहुत dull complexion हो गया है, so उसका भी solution आपको घर पे रखी सिर्फ 3 चीज़ों से मिलने वाला है, so without any further ado, let's get into the video. So guys, अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे हमारी सारी skin problem solve हो जाएगी, so वो 3 चीजें हैं honey, green tea and turmeric. देखो टर्मरिक के बेनिफिट्स हम सबको पता है कितने ज्यादा है, एज इट इज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल, तो हमारे स्किन पे ये बहुत अमेजिंग काम करता है, हमारे पिंपल को ठीक करता है एंड पिंपल मार्क्स को भी। हम में से बहुत लोगों को डल स्किन या पिगमेंटेड स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये उसे भी सॉल्व कर देता है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, लाइक आपका जो स्किन टोन है वो डल है, तो इसे ब्राइटन अप भी करने में हेल्प करती है एंड आपके डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को लाइटन अप करने में भी मदद करती है। लेकिन एट द सेम टाइम या टैन एंड पिगमेंटेशन को भी रिमूव कर देती है एंड आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रखे हैं तो इसे भी रिमूव कर देती है। सो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है या फिर आप बोल सकते हो कि मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम टर्मरिक को थोड़ा रोस्ट करने वाले हैं। अब देखो हम में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि टर्मरिक से वो येलो स्टेन आ जाता है, बट आज की वीडियो में मैंने जो टर्मरिक यूज किया है उसके ऊपर आपको कुछ भी लाइक साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होंगे। एंड सेकेंड जो हमने इसे यूज किया है वो है हनी। हनी में होता है एंटीबैक्टीरियल गुण जो आपके एक्ने पे काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, क्योंकि इसमें होता है इमोलियंट्स तो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड नरिश रखने का भी काम करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हनी इज द इंग्रेडिएंट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। आप सबको पता है कि हनी हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, सो हनी इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट वी आर यूजिंग इट। थर्ड जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके सारे स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट फ्रॉम पिंपल, पिंपल मार्क्स, अगर आपको एजिंग साइंस हो गई है, लाइक प्री मैच्योर एजिंग हो गई है, तो ये उसे भी डिले करता है। आपके पोर्स अगर क्लॉग हो गए हैं जिसका रीजन होता है पिंपल, सो ये उसे भी ठीक करता है एंड आपके ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को भी ट्रीट करता है। सो इसलिए हमने जो थर्ड इंग्रेडिएंट यूज किया है एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट वो है ग्रीन टी। सो देख लेते हैं इस मास्क को कैसे प्रिपेयर करना है। हाय गाइस, सो गाइस जैसे कि आप मेरी स्किन देख सकते हो बहुत ज़्यादा डल दिख रही है, टैन दिख रही है एंड पिंपल्स भी दिख रहे हैं। सो मुझे उसका एक इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए था, जो मैं थिंक कर रही थी एंड देन मुझे इसका एक बेस्ट सोल्यूशन मिल गया। सो उस सोल्यूशन के लिए आपको एक पैन लेना है, उस जैसे ही वो हीट हो जाए थोड़ा बहुत तो उसमें आपको ऐड करना है 3 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर मैं रेगुलर हल्दी ले रही हूँ, आप चाहो तो वाइल्ड टर्मरिक भी ले सकते हो। एंड देन इसे आपको अच्छे से करना है रोस्ट। मेक श्योर करना कि आप बहुत स्लो हैंड से करो एंड अपना हाथ जलाओ नहीं, आपको दूर से ही करना है सो दैट आपके हाथ जले नहीं। जब आपको दिखे कि आपका जो हल्दी है वो एकदम काला हो गया है तब आपको फ्लेम को कर लेना है ऑफ एंड उसे अलग से निकाल लेने का है, ठीक है। अब बनाते हैं हम अपना फेस पैक, तो उस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ रोस्टेड टर्मरिक, उसमें आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन टी लीव्स एंड 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। यहाँ पे मैं ग्रीन टी के जगह आप सिनेमन भी ले सकते हो एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स। मेक श्योर करना कि स्मूथ बेस बने ताकि एप्लीकेशन के टाइम इजी हो एंड यही आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी एंड इट इज़ परफेक्ट। सो अब बारी आती है एप्लीकेशन की, तो आपको इस मास्क को सर्कुलर मोशन में अच्छे से अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस। सो कोई भी एरिया बाकी नहीं रहना चाहिए बिकॉज आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्ने, एक्ने मार्क्स, पिम्पल आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, नरिश कर देता है एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव कर देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है यूसे भी रिमूव कर देता है, हाइपर पिगमेंटेशन एंड पिगमेंटेशन को भी फाइट आउट करता है। अच्छे से इस फेस पैक को अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है तो आपको इसे डेली 15 डेज तक अप्लाई करना है, ठीक है। एंड जब आपका मास्क अप्लाई हो जाए तो आपको इसको 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद जब आपके 20 मिनट हो जाए तब आपको इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके निकालना है।
इसके फ़ायदे ये है कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा एंड आपके ग्लोइंग स्किन को अचीव करने में हेल्प करेगा, पिंपल को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, एंड अगर आपको ब्लैक हेड एंड वाइट हेड है तो ये उसे भी रिमूव करेगा एंड आपके स्किन को एक सॉफ्टर ग्लोइंग स्किन बनाएगा। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद आपको इसे ठंडे पानी से वॉशअप कर लेना है। वॉश करने के बाद आप मेरे फेस पे रिजल्ट देख सकते हो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर लग रही है एंड ग्लोइंग भी लग रही है। गाइस दिस रेमेडी डेफिनेटली वर्क्स, डू ट्राई दिस वंस एंड आपको बहुत ज़्यादा पिंपल है तो डेली अप्लाई करना। सो गाइस आज ही इस रेमेडी को ट्राई करना एंड ट्राई करोगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय। सो गाइस देखा आपने कि इस मास्क को बनाना, प्रिपेयर करना, यूज़ करना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम कितना ज़्यादा ईजी है। आपकी स्किन पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। अगर आपने मेरा पहले से वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी स्किन पे अब का डिफरेंस कैसा है एंड लास्ट का डिफरेंस कैसा है। मेरी स्किन डेफिनेटली ग्लो कर रही है। अगर आप इसे 15 डेज रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपके पिंपल को भी कम्प्लीटली हील कर देगा। जितना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है उतना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आपके घर पे रखी चीज़ों से आपको इतना ज़्यादा फायदा होता है, तो ट्राई करना तो बनता है बॉस। सो गाइज आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।